Your favorite Mannu is back. Return of Maya Ali on Hum TV after Manmayan. मैं ये भी नहीं कह सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती, लेकिन मोहब्बत जरूर करूंगी. The real superstar of films, Bilal Ashraf, making his TV debut. Both pairing up for the first time in drama serial, Yuhi. तुम बदतमीज और आवारा हो. मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती. तो फिर भुगतो, क्योंकि जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो उसे बदलती नहीं हूँ. Starting from 5th February, every Sunday at 8 p.m. only on Hum TV. अभी की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल निकल जा रहे हैं. क्या हुआ बेटा? अगर अभी भी लोग आ रहा था, पता नहीं मैं बिफोर क्या क्यों क्या कहा हो तुम? कौन थे वो लोग? मैं पता नहीं, कोई डाकू थे. मैं तुम्हें लोकेशन पे भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ. अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मुझे लोकेशन भेजो फौरन, मैं पहुंच रहा हूँ. अच्छा हुआ तुम आ गए. तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी का बैग, मेरी गाड़ी की चाबी सब ले गए. मेरी जान, लानत भेजो उन चीजों पर. तुम लोगों को तो कुछ नहीं कहना उन्होंने. अच्छा, बहुत डर लग रहा है एसपी, बहुत ज्यादा डर लग रहा है. कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा. लेकिन अम्मी को तो देखो, पता नहीं क्या हो गया अम्मी को. कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, वो ठीक होंगी. जस्ट काम डाउन, हाँ, रिलैक्स. गहरी सांस लो मेरे साथ. एक वाह, खावर अंकल ने पुलिस की नफरी भी भेज दिया. चलो आओ तयमी के पास. दसो जरा, समझ नहीं आ रही, इस तरह से पूरे खानदान को तितर बितर किया है जैसे अल्लाह माफ करे पुलिस का छापा पड़ने वाला हो. आपको कुछ नहीं बताया मुन्ने भैया ने? कुकू वीर, बता मुझे क्या हुआ है, कोई नई खच तो नहीं डाल दी किसी ने? घर चलें फिर मैं बताता हूँ आपको. देख, तू मेरा वीर है, लेकिन अगर अभी नहीं बताया ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी कि तू दूल्हा राजा बना हुआ है. ऐसा कुछ नहीं है सलीका बाजी. शक्ल देख अपनी, छुआरे की गिटक जैसी हुई हुई है और कह रहा है कुछ नहीं. बेटो तुझे तो पता होगा, बता दे, कोई नया पुआड़ा तो नहीं पै गया? हुआ क्या कि एनी फैमिली एमरजेंसी हो गई है? नहीं भाभी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता. तो बिट्टू अपने मजाजी खुदा को बता दे कि मेरे सबर का टेस्ट ना ले. अगर मेरे हार्ट को अटैक हो गया ना तो तुम दोनों आज की रात अस्पताल के बरामदे में होगे मेरे साथ. अल्लाह ना करे सलीका बाजी, पहले ही शजी भाई की वजह से दिल बड़ा ही परेशान है. क्या हुआ शजी भैया को? अब्बा मियां ने मना किया था कि किसी घर की औरत को नहीं बताना, वरना वो रोना पीटना डाल देंगे. ठीक है, तो तू मुझे बाहर की औरत समझ कर बता दे. के वास्ते बता कि क्या हुआ है पायन शुजा को, मेरे जेठ जी को? थोड़ा हार्ट बीट का प्रॉब्लम था, लेकिन अब ठीक है. फराज उन्हें घर लेकर आ रहे. मेरी गाड़ी में आप. अश्वी तू है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मानो हम इसकी गाड़ी में क्या कर रहे हैं, ये डाकुओं के साथ मिला हुआ था. अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी, मैंने इसको फोन करके बुलाया था. इसको क्यों फोन करके बुला लिया? मैंने तुझे कहा था अपने पेओ को फोन करके बुला, ये कौन सा पेओ है? अरे उनका फोन बन जा रहा था भाई. अल्लाह, वो मनहूस डाकू हमारी नुकसान वाली ढोलकी बजा के चले गए.
मम्मी प्लीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी आपकी। ना मानो तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने तेरे प्यो की दुकान से ली थी है, मुफ्त तो नहीं आई थी ना। प्यो से याद आया, कॉल मिला उसे दोबारा। अब घर जाकर ही बात कीजिएगा प्लीज। मैं कहती हूँ मेरा बैग लेंगे पूरा का पूरा, उसमें मेरा सेल फोन भी था और उसमें सेल्फियां भी थी सारी चांदी की। अम्मी अल्लाह का शुक्र करें कि जान बच गई, वरना अखबार में खबर भी छपती और हमारी तस्वीरें भी। वैसे बहुत ही बुरी बात है मनो है, बंदे की शक्ल चंगी हो ना तो गल भी चंगी करनी चाहिए। कितनी बुरी बुरी बातें कर रही है, पता नहीं किस नैश की नजर लग गई मेरे कुप्पू की शादी को, हफ्तों पे हफ्ते आ रही है। अच्छा ना अम्मी, सुकून करें, अब सब ठीक है, हम खैरियत से घर पहुँच रहे हैं अल्लाह का शुक्र। शिजी भाई की तबीयत खराब थी, मैं ड्रिप लगा रहा था उनको। लेकिन तुम क्या कर रही हो किचन में? अब्बा मियां कह रहे थे कि सर दर्द से फट रहा है, ये भी नहीं देखा कि दुल्हन बनी हुई हूँ, कहते चाय बना दो। शिजी भाई की वजह से बहुत टेंस है। ऐसे अजीब ही कोई मनहूस शादी हुई है हमारी, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया और किसी को डाकुओं ने लूट लिया, इसलिए मैंने सोचा है कि हम। कुकु मामू ये क्या हो रहा है? मामा वैसे मैं आज तक ये सोच रही थी कि वो कौन जालिम लोग होते हैं जो दुल्हन की मेहंदी उतरने से पहले उसको किचन में ला खड़ा करते हैं, और अफसोस की बात है कि आपने उनको उनके कपड़े भी नहीं चेंज करने दिए। तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें उस रोड पर ला खड़ा किया, और तुम्हें क्या जरूरत थी उस रोड पर जाने की? बस किस्मत घेर घार के ले गई, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। तन्नो भाभी कहाँ है? वो गम मना रही है अपने कमरे में नकली चूड़ियाँ चोरी होने का। आप बताएं ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं आप यहाँ? अब्बा मियाँ को मेरे हाथ की चाय पीनी थी। बस खानदान में शादी करने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि शादी वाले दिन भी प्रोटोकॉल ही नहीं मिलता। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे हम खानदान में। अच्छा अभी सारी बातें छोड़ें, आप जाएं कमरे में, मैं सब कुछ आया सब कर। पक्का? पक्का, जाए। भांजी देखा मेरा रोब, पहले ही दिन मैंने किचन में ला खड़ा किया उसे। हैं कबीर? आए सरकार। अरे अल्लाह जी, बिट्टू की शादी तो बड़ी भारी रही। कितना कहा था मैंने, मायू मेहंदी छोड़ो, मिलाद करवा लो। माँ जी सिर्फ मिलाद? मैं तो कहती हूँ कि पला पलाया कट्टा वारना चाहिए था बिट्टू के हेड से। और वो कट्टा तुमने उठा के वारना था उसके सर पे से? मैंने तो मुहावरतन कहा था मुनीर जी, लेकिन आपका तो फर्ज बनता है ना कि मेरी हर गल की बाल में से खाल निकाले। बाबा कैसे हैं? जितनी जली कटी हुई मुझे सुना रहे थे ना, उससे तो लग रहा था कि फर्स्ट क्लास है। बाकी रिपोर्ट्स कल आएंगे। भाई जली कटी चाहे जितनी सुनाए, बंदा ठीक रहे। और मानो का क्या बना? असफी लेकर आ रहे हैं उन्हें, शुक्र है कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का। वैसे जो भी हो शरीके की एक ही। प्लीज कोई गलत बात मत कर दीजिएगा। तुझे गलत लगे या सही, ये हकीकत है, मुसीबत के वक्त शरीके एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। ये क्या तुमने शरीका शरीका लगाई हुई है? सगा भाई है मुन्ने का। अब थोड़ी सी लड़ाई हो गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जीना मरना ही खत्म हो जाए। मैं भी तो वही कह रही थी ना माँ जी। चाय बना दो प्लीज, सर में दर्द हो रहा। पहले असफी को कॉल करके पता करें वो कब पहुंचेगा। हाँ तू वो कर। तो दूसरी बात मुझे कोई बता दे बिट्टो की ब्राइडल ब्रेकफास्ट में क्या करना है। अभी तो तन्नो का रात का खाना हलक में अटका हुआ है। फिर ठीक है, सुबह सवेरे कोई मेरा बुआना खड़काए। गुड नाइट ते मिठे ड्रीम। ये हमारी गाड़ी में गिर गया था। हाँ सुनो, तुम ठीक हो ना? था बड़ा हादसा हुआ तुम्हारे साथ, आई होप यू आर ओके। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। किस बात पर? मेरी एक कॉल पर दौड़ कर आने का। बात पूछूं तुमसे,
तुमने ताई अम्मी को तो नहीं बताया, लेकिन मुझे ही बता दो। क्या? यही कि तुमने मुझे ही क्यों कॉल की? यही जहन में आया कि तुम्हें कॉल करूं। जहन में आने वाले लोग अक्सर कहीं और जगहों पर भी होते हैं। समझ में नहीं आया इस बात का मतलब। मतलब तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कुछ दिनों से। जाओ ना, तुम्हारी भाभी का बीपी लो हो जाएगा। जा रहा हूं। By the way, तुम्हारा भी शुक्रिया। किस बात का? मुझ पर ट्रस्ट करने का। बताना तो चाहिए था ना कि शर्जी साहब की तबीयत इस कदर खराब हो गई थी। अरे बेटे, तुम वहां डाकुओं के बीच में बेहोश पड़ी थी। अगर हम तुम्हें ये बात बताते तो सुबह तक तुम्हें होश ही ना आता। अरे अब्बा मियां, पता नहीं कहां से आ गए थे मनोज शक्लें लेके वो डाकू। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। मैं तो शुक्र करती हूँ कि असफी वहां पे पहुंच गया था, उसने हमारी बड़ी मदद की है। शर्जी साहब, आपको अस्पताल कौन लेके गया था? फराज लेकर गया था। देखिए अब्बा मियां, ऐसे मौकों पर मैं कहती हूँ कि बेटियां अच्छी होती हैं लेकिन बेटे भी होने चाहिए, है ना? अरे बेटा, दामाद भी तो बेटा ही होता है। वैसे भी भाई की औलाद अपनी ही होती है अगर समझा जाए तो। वालेकुम अस्सलाम, लाड़ा आ गया मेरा वीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मुझे माफ करते हैं, मैंने बड़ा सोचा हुआ था तेरा बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करूंगी। मैंने और मानो ने तो पत्तियां भी जमा करके रखी हुई थी प्लेटों में, बस वो डाकू पड़ गए ना इसलिए। गरीब मुल्ला की अजान कोई नहीं सुनता। तनु, अभी मैं ना आपके लिए कुछ लेकर आया। क्या? आपको ना बड़ा नुकसान हुआ है ना, मेरी तरफ से 5 लाख रुपए का चेक। चौंक नहीं मुझसे? कोई नुकसान नहीं हुआ, 5,000 रुपए का जेवर लिया था जामा क्लॉथ मार्केट से, एकदम नकली। तनु आपकी चेक तो असली है ना, बिल्कुल मेरी मोहब्बत की तरह। खैर, तेरे सर पे चोट तो नहीं लगी है, हैं? पागल तो नहीं हो गया? वो रख ले, आपकी दुआओं से तो इतना कमा ना। तू रख है, मैंने नहीं बजानी ये लालच वाली पोली पोली टोल की। देखे ना अब्बा मियां। अरे बेटा ले लो ना, इतनी मोहब्बत से दे रहा है, रख लो। अम्मी रख लेना, बाद में मुझे दे दीजिएगा। वाह, किन्नी चलाक होगी ताड़ी कुड़ी है। अच्छा चल, तेरा बड़ी मेहरबानी। चल मानो तू यहाँ पे खड़ी भी क्या करी, जा ये मेरी दराज में रख दे। चल जा, कपड़े बदल। अरे जाओ मियां, दुल्हन के पास जाओ, जाने दो उसको। समझ नहीं आ रही, तन्नो ने उनका तराक क्यों नहीं निकाला है? चच्ची नहीं, मैं सीरियस हूँ, डेंजर वुमन है, मुझे पता है। शुक्र करें कोई और नुकसान नहीं किया उन लोगों ने। एक सुन मारती ना, सीधे हो जाते डाकू। वैसे सुना है तन्नो बेहोश हो गई थी। नहीं, ये सारी खबरें कौन दे रहा है आपको? वो मेरी कुकु मामू से बात हुई थी, उन्होंने बताया था। कुकु मामू से कहें कि ब्रेकिंग न्यूज देने की बजाय कम से कम आज तो बिट्टू पापा को टाइम दें। सगी वोटी है उसकी, और तू क्यों इतना औखा हुआ है? नींद आ रही है अम्मी, शदीद थकन है। बड़ा कंग फू करके आया ना डाकू के साथ, या मोटे पे बैठा के लेकर आया तन्नो एंड डॉटर को। जा रही हूं मैं, गुड नाइट। अरे भाभी, आपके चेहरे पे क्यों 12 बजे में? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना असफी। वो ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। पर आज कह रहे थे कार्डियक इश्यू है उन्हें। देखें,
अपनी दवाइयां लेंगे ना तो कुछ नहीं होगा उन्हें। इंशाल्लाह। यार निधा, इसको देखो यार, नींद से उठ के परेशान कर रखा है। क्या हुआ चक्की? भाई मुझे लाते मार रहा है, मुझे आपके साथ सोना है। चलो आओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। भाई वो डॉक्टर ने क्या कहा था अब्बा के बारे में? यह तबीयत ठीक नहीं है उनके, हार्ट बीट मुसलसल फ्लक्चुएट कर रही है। तुम निधा को मत बताना। जी आने वाले लोग अक्सर कई और जगहों पर भी होते हैं। समझ में नहीं आया इस बात का मतलब। मतलब तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कुछ दिनों से। दिमाग में क्यों आ रही है वो बार बार? और अगर आ भी रही है दिमाग में तो फिर दिल की धड़कन क्यों तेज हो रही है? असंद यार मुनीर, संभल जा बेटा। दुआ मांग रहा हूं कि जिसे भी तुमसे मोहब्बत हो ना, अल्लाह मियां उसे हिम्मत और हौसला दे, बड़ी जरूरत पड़ेगी उस बेचारे को। वेरी फनी। इतनी अच्छी पहले तो कभी नहीं लगी। कहीं कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मन की बेटी से प्यार किसी पागल को ही हो सकता है, और वो पागल कम से कम तू तो नहीं है संध्यार मुनीर। इमरजेंसी हो गई है, डाकू हमारी गाड़ी की चाबी छीन कर ले गए। अरे उसने कर दिया होगा परेशानी में फोन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे तू मोहब्बत समझने लगा है। अबे ऐसा कुछ नहीं है, कोहर का प्रपोजल तो वैसे ही बुरा लग गया होगा, शायद बबली की वजह से। बे बुद्धू, मोहब्बत करने वाली शक्लें भला ऐसी होती हैं क्या? है भी बीमारी पड़ गई है तुझे वहम की। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सो जा पागल। Thank you.
लानत, ये मोहब्बत ही है। चल बेटा असफंदियार मुनीर, अब खानदानी जुतियां खाने के लिए तैयार हो जा। सुन एक बार फिर सोच ले। हाँ चलो आंखें बंद करके सोचता हूं। सो ये कंफर्म मोहब्बत है। अबे मोहब्बत में किसी को नींद कहां आती है। एक बार मानूर से भी पूछना होगा उसके दिल का हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटो, हैं दुआएं पूरी हो गई सारी, कर दिए नफल अदा। आप भी सोचती होंगी भाभी कैसी शादी है, आफतों पे आफतें ही आई जा रही हैं। करती ना चार आने वाली बात बेटो, हैं देख मैं इमोशनल जरूर हूँ लेकिन जाहिल नहीं हूँ। मुझे पता है नफा नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है, तू क्यों परेशान हो रही है। अच्छा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पीनी। मैं चलती हूँ आपके साथ। मैं दुनिया का पहला शौहर हूँ जो आपने बेगम को भगा के लेकर जाना शादी के दूसरे दिन ही। आहिस्ता बोलो, कोई उठ के आना तो सारा हनीमून यही निकल जाएगा। चलो चलो जल्दी करो। तेरा शिकार लेकर आई हूँ मैं। अच्छा हुआ आसफी तुम आ गए। क्या यार भाभी, पहले ही सुबह 4 बजे सोया था फिर अम्मी ने उठा दिया 9 बजे। मैं तो सारी रात क्या मोती टांगता रहा है फुप्पी के वलीमे के गरारे पे। नहीं बैठकर हलवे बना रहा था उनके नाश्ते के लिए। ज्यादा जबान ना चला, जाके पूछ माजी से ब्राइडल ब्रेकफास्ट कौन लेकर जाएगा। जाहिर सी बात है इस घर में एक सियाणी आप ही हैं, इसलिए ये फरीजा भी आप ही को सर अंजाम देना होगा। दिल तो मेरा बड़ा कर रहा है, जाकर जरा मिलूं तो सही जिठानी को डाकुओं से लुट लुटाने के बाद। शुक्र है अल्लाह का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरी बिट्टू आपस से रात को बात हुई थी ना, वो बता रही थी। बस ये समझ नहीं आती बिट्टू की है, ससुराल जाकर से पीसीओ ही खोल लिया। ये सारी तफ्तीश आप वहाँ जाके कर ले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सोने सियाना कहा ना बन, जाके ट्री उठा फिर वहाँ जाकर करेंगे बल्ले बल्ले। चाची और कोई चीज रखती है क्या? अचार और मैंगो चटनी। क्या तलीका, बिट्टू या कुकू से बात हुई फोन पर? दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। हाँ हाय माँ जी, मतलब रात को ब्याह हुआ है, थोड़ा सा तो रिलैक्स करने दे मिस्टर एंड मिसेस को। भाई रात बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा है मैंने। वो तो आना ही था है, इतनी टेंशन में जो था पूरा टब्बर। चच्ची क्यों तंग कर रही हैं आप भी अम्मा को,
आप ऐसा करें कि बीमा को भी साथ ही ले जाए नाश्ते में। हाँ हाँ, सौ बिस्मिल्लाह, मेरे वालों पूरा मोहल्ले को लेकर चलते हैं। हाँ भाई, मैं भी साथ चलती हूँ, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। बस आप रिलैक्स करें, मैं नाश्ता पैक करती हूँ, आप साथ जाइएगा। कोई गोटा छोटा हो तो वही ट्रे के कपड़ा। क्या अंधों की तरह चले आ रहे हो? दो ही सिचुएशंस में ऐसे चलता है इंसान। कौन सी? या तो वाकई अंधा हो या फिर उसे प्यार हो गया हो। अंधे तो खैर तुम नहीं हो। तो फिर यही समझ लो, प्यार हो गया मुझे। यही समझ लो, प्यार हो गया मुझे। मानो, अरे बेड़ा तर जाए मानो। तेरे प्यो का टैंकर का बिजनेस है जो पानी रोड़ रही है इस तरह? अम्मी, वो मुझे पता नहीं चला ना। क्या दिमाग पानी भरने के लिए गया हुआ है? अम्मी, मेरे दिमाग में बाद में रिसर्च कर लीजिएगा। आप बताएं, कुकू मामू को बता दी कि भी अम्मा आई नाश्ता लेके? उसका तो ना पूछ मानो, उसकी तो बगैरतियाँ आज रूज पे है। अब क्या कर दिया उन्होंने? ना देख, सारे ससुराली आके बैठे हुए हैं और वो लोग हैं कि अभी तक सो रहे हैं। दो बारी दरवाजा तोड़ के आई हूँ लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे। अम्मी आराम करने देना उन्हें, हम लोग कर लेते भी अम्मा के साथ नाश्ता। अरे बेड़ा गर्क हूँ मान तेरा है, तू ऐसी कूड़ मगज है, तुझे नहीं पता रिवाज के मुताबिक सारे लोग इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। अम्मी आप तो पीछे ही पड़ गई हैं मेरे। अच्छा चल जाना मानो, जाके अपनी फूफी और मामे को उठा, मैं दो दफा कुंडी खड़का के आई हूँ। मुझे तो लगता है ठुड्डा मार के ना दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, सब इंतजार कर रहे हैं, चल जा। अच्छा मैं जाके उठाती हूँ उनको। हाँ उठ गई बिट्टू? भी अम्मा दो बारी कुंडी खड़का चुकी तो मुझे लगता है कि अपना ठुड्डा मार के दरवाजा गिराना ही पड़ेगा। बनता डेंटिंग पेंटिंग करा लेते हैं घर की। अच्छा भला घर है सलीका, तुमने क्या फुन्ने लटकाने थे इसमें? माँ जी, पांच साल पहले भी यही एक रंग था, सारी पेंटिंग सब कुछ यही था, सेम टू सेम। पांच साल पहले भी ना लोगों ने रंग बदले थे, हमारे तो तब भी रंग यही थे और हमारे घर के भी। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, जाओ बिट्टू से कहो जल्दी आ जाए, नाश्ता कर ले, 12 बज रहे हैं भाई। जी भी अम्मा, मैं बुला लेकर आती हूँ। मैं देख रही हूँ बड़ी साइडें ले रही हैं तन्नू की। कुकु मामू दरवाजा खोल दे। मानो खुला दरवाजा क्या नहीं, क्या पोले पोले हाथों से पोली पोली ढोलकी बजा रही, जोर से खटखटा दरवाजा। अम्मी मुझे शर्म आती है। इस कुकू का ना मैंने देखना, आज ऐसा मक्कू ठकना ना सारी जिंदगी याद करेगा। मैं कह रही हूँ ना, जोर से बजा दरवाजा। अच्छा रुक जाना, मैं उनको कॉल करती हूँ, रुक जा जल्दी कर। खैर है? क्या हुआ? चाय की बजाय पानी में बिस्किट डिपो के क्यों खा रहे हो? क्या वाकई? सॉरी। लगता है नींद पूरी नहीं हुई बच्चे की, जाओ सो जाओ जाके। अभी चाय तो पी लेने दें। अच्छा ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, वो आपकी और मानो की स्माइल बहुत मिलती है ना। शुक्र है सिर्फ स्माइल ही मिलती है, आते नहीं मिलती। वैसे इतनी भी बुरी आदतें नहीं है उसकी। इतनी अच्छी भी आदतें नहीं है कि सुबह सुबह निहार मुंह तुम उसके कसीदे पढ़ना शुरू कर दो। नाश्ता दे आए थे उधर? हाँ भाई, खिलाया हूँ एक बार फिर अपने घर का नमक।
इरादे ठीक नहीं लग रहे वैसे मुझे तुम्हारे। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? चले एक और शेर मुलायजा फरमाइए। नशा चढ़ा जो शरीफी का, उतार फेंका है। निकालू तुम्हारी शरीफी? नहीं जा रहा। आदे हैं दुबई एयरपोर्ट का चेक इन? क्या हो गया, कुकु मामू के घर बैठे बैठे चेक इन लगा रहे? अरे हमें तो कोई नाश्ता दे दे भाई। अब्बा मुझे रात से खाना नसीब नहीं हुआ। यार पता नहीं ये खवातीन कर क्या रही। थोड़ा सब्र कर जाए, दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं तो सब नाश्ता कर लेंगे। हाय हाय, कि क्या वीआईपी समझ रहे अपने आप को? इतनी तैयारियां कर ली ना मेहंदी शादी पे, बस अब आ जाए। नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये नहीं मतलब था। मैं तो कह रही थी इतना शोर हम मचा रहे, कब्रें फाड़ कर मुर्दे निकल आएंगे, और अब तो भूख से मेरी भी डेथ हो रही है। अरे अल्लाह जी, नवा पुआड़ा पड़ गया है, खोता डाल दिया खूह में। क्या मतलब? सर क्या हो गया तन्नो? वो कुड़ी और मुंडा नस गए। कौन कुड़ी और मुंडा? आपकी बहन और मेरा भाई। क्या मतलब? हाँ वो मैंने ना दूसरी चाबी से उनका दरवाजा खोला है तो अंदर कोई भी नहीं है, भाग गए दोनों। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ जाना है उन्होंने? हाँ दुबई है। अभी दुबई? आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, ये देखें उन्होंने अपनी सेल्फी भी अपलोड कर दिया। ये देखा, ये देखें, दिखाए मुझे। माशाल्लाह। हाय बेड़ा गर्क हो शजी साहब, ये तो वाकई में आपकी बहन और मेरा भाई है। तन्नो क्या बहन भाई लगा रखा है, दोनों मियाँ बीवी हैं भाई। हाँ वैसे हमारी बिट्टो ने सही टाइम पे चौका मारा है। सलीका तुझे कसम है, जो तूने मेरे बस्ते से गजक चुराई थी उसकी, तुझे मालूम था ना कि वो लोग भागने लगे? तेरे सर की कसम तन्नो, तू मर जा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। अस्वी, अस्वी, तुमने स्टेटस चेक किया कुकु मामू का? अब क्या फायदा स्टेटस चेक करने का जब चिड़ियां चुग गईं खेत, अब तो हो गई शादी। डफर मैं फेसबुक स्टेटस की बात कर रही हूँ, फोन देखो अपना जल्दी से। अरे वाह, छक्का मार दिया ये तो कुकु मामू ने। गलत हरकत की है ये उन्होंने। वलीमे की देंगे उल्टा दे शजीता है कि उनको मैसेज तो करूं, विश यू बेस्ट ऑफ लक, वेल डन। सब लोग अम्मी की तरफ गए नाश्ता लेके, पता नहीं क्या और होगा, तुम देखो जाके प्लीज। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कयामत बरसेगी, तो अम्मी तरसेंगी। उसकी पता नहीं क्या होगा। क्या करते हैं कुकु मामू जी? जी जी चाचा जान, वो वलीमा कैंसिल कर दिया। हाँ जी, वो कुकू को इमरजेंसी में जाना पड़ गया था ना, इस वजह से। हाँ बड़ी वहाँ कोरोना की वैक्सीन में हिस्सा डालने जाना था ना दुबई। हाँ जी, फिर जो भी होता है फिर बताते हैं हम। चल बोलिए दुबई चलिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुझे पता था ना कि तेरी फुप्पी और तेरा मामा ये करतूत खोलने वाले। कौन से करतूत? इसे कैसे पता था, ये तो अभी आया है भाई। भी अम्मा ये बड़ा मीसना है, इसे सब पता था। इसने तस्वीर के नीचे बेस्ट ऑफ लक है, इसको तू जूत क्या मार के। नहीं 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 अम्मी, इसको कुछ नहीं पता था ना। तुझे कैसे पता कि इसको नहीं पता था? तू मासी लगती है इसकी? मासी की बेटी लगती हूँ, अगर इसको कुछ पता होता तो सबसे पहले मुझे बताता ना। एग्जैक्टली। वैसे आजकल तुम दोनों की एनर्जी सप्लाई एक ही जगह से आ रही है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग भाई, वो घर के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो कि वलीमा कैंसिल हो गया। हां थैंक यू सो मच यार मुझे सपोर्ट करने के लिए। तेरा बेड़ा गरक को कुकू हमारे सरों में खेर डाल के चला गया दुबई, हाँ हमारी बिस्ती कराने के लिए। सॉरी रॉन्ग नंबर। देखा मैंने आपको कहा है ना, आप लोग माने या ना माने, इसके करतूत है, ये है, इसने फरार कराया है उन दोनों को पाकिस्तान से, ये उस ग्रोह का सरगना है। कैसे फरार करा दिया? मैं वीजा के दफ्तर में अफसर लगा हुआ हूँ जो पहुँचाया उन्हें दुबई।
तुझे मैं बता रही हूँ अस्वी, तुझे ना मैंने अब सॉरी जिंदगी माफ नहीं करना, दिलचस्प फोन तोड़ दू। ना करे माफ, पहले कौन सा किया, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्या हो गया, गाना तो बंद करो, ये मौका है गाना गाने का? वैसे मौका तो खुशी का ही है। चलो उठो, मुन्ने को जाके बताते हैं। हाँ, वो तो इंटरपोल में काम करता है। अरे छोड़ो, हमें तो नाश्ता दे दे कोई। आप करते रहे नाश्ता, हम तो जा रहे हैं। तुम्हें अपना फोन लाना जरूरी था। सीरियस हूँ मैं आसपू, सच सच बता दे वरना मैं तेरा लहू पी जाऊंगी। आप ऐसा करें, पहले मेरा लहू पी के अपनी प्यास बुझा लें। हाँ, मेरी खैर है। आग लगी है तन्नों के कलेजे में। बेटा फोन करो जरा फायर ब्रिगेड वालों को, करो करो करो। मुनीर जी आपको मजाक लग रहा है, उधर तन्नों को लग रहा है कि आपके पुत्र ने साजिश नहीं मुदाखलत की है उनके घरेलू मामले में। चच्ची इस बेचारे को तो पता भी नहीं था, मैंने बताया इसे जाके। रहने दे भाभी, मैं एक टांग पे खड़ा होकर ब्रेक डांस भी कर लूंगा ना, तब भी यकीन नहीं आएगा इन्हें। पुत्र बेहतर होगा कि तू ब्रेक डांस ही कर। मैं के सॉरी, मुझे बता क्या। नहीं नहीं पुत्र जी, तो क्या अगर माँ बात कर रही है तो ले ले, कौन है देख जरा, कौन कन खजूरा कॉल कर रहा है। काट दिया ना कॉल, आप जारी रखें अपना बिस्ती प्रोग्राम। हाँ तो मैं कह रही थी वो उनकी दुबई की फोटो के नीचे क्या जरूरत थी कहने की बेस्ट ऑफ लक है, लक तोड़वानी है तूने तन्नो से। वो तो मैंने वैसे ही लिखा था मॉरल सपोर्ट के लिए। मॉरल सपोर्ट ना सही, लेकिन फाइनेंशियली तू सपोर्ट करके गया है कुकुन के वलीमे के पैसे बचाकर। तुम्हें वलीमे की पड़ी हुई है और पूरे खानदान में जग हसाई हो रही है, अल्लाह पूछे उन दोनों बेवकूफों को। अरे छोड़े अम्मा, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने कर लिया बस। घर से कोई भाग गया है क्या? नाना छत पे रोते हुए किसी को बता रही थी। अस्तग़फिरुल्लाह। चुटकी चलो मेरे साथ, चलो।